आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन। मैं हूं आपके साथ अक्षय आनंद। 1 घंटे की मीटिंग के बाद सीएम नीतीश कुमार पीएम आवास से नरेंद्र मोदी से मिलकर बाहर निकल गए हैं। अब 1 घंटे की इस मीटिंग में क्या कुछ बातचीत हुई, यह हमारे दिल्ली के संवाददाता के झा लगातार पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह माना जा रहा है, जिस तरह से आरसीपी सिंह का बयान आया था, कि सीटों की बात आखिरी स्टेज पर है और दिल्ली से इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है, उसी को लेकर आज 1 घंटे तक पीएम मोदी और नीतीश कुमार की बातचीत हुई। और यह माना जा रहा है कि आज शाम से पहले एक बार अमित शाह से भी नीतीश कुमार की मुलाकात होगी, क्योंकि आज सुबह नीतीश के जो अमित शाह के जो पीए हैं वो नीतीश कुमार से मिलने आए थे। टाइम को लेकर चर्चाएं हुई होंगी। और अब पीएम मोदी से मिलने के बाद सीट शेयरिंग पर बातें ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर पहुंच रही हैं, इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। दूसरी ओर 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा है। सीएम नीतीश कुमार की भी जापान के व्यवस्था से बातचीत जो हुई, और बिहार और जापान के एक स्टेट को सिस्टर स्टेट्स बनाने की जो बात हो रही है, इसको लेकर लगातार जो बातें चल रही हैं, इससे रिलेटेड भी प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के बीच बात हुई होगी। क्योंकि 28 तारीख को पीएम मोदी जापान जा रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं, जिसमें बिहार को लेकर भी कई मुख्य बातें हो सकती है। सिस्टरली स्टेट्स घोषित करने की बात हो सकती है, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री और सीएम नीतीश कुमार की बात हुई होगी। अमित शाह से मिलने के बाद सीटों का जो आंकड़ा है वो तय हो सकता है, और अब 7 लोक कल्याण मार्ग पर पीएम आवास पर नीतीश कुमार पहुंचे थे, नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, बातचीत की, और 1 घंटे की मीटिंग के बाद अब वह वहां से निकल चुके हैं। जल्दी ही कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।